चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार की 8 सीटों के 6ठे चरण में वोट डाले जाएंगे। 8 सीटों पर 86 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बिहार में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में मतदान है। छठे चरण के लिए एनडीए और एनडीए अलायंस ने ताकत झोंक दी है। छठे चरण से पहले सियासत भी हाई है। अब देखिए इन सीटों पर लड़ाई किनके किनके बीच है, उस पर एक नजर। वाल्मीकि नगर की फाइट, सुनील कुमार जेडीयू से प्रत्याशी हैं, तो दीपक यादव आरजेडी से यहां से प्रत्याशी उतारे गए हैं। दूसरी सीट की अगर बात करें पूर्वी चंपारण, तो यहां भी लड़ाई दिलचस्प है। राधा मोहन सिंह बीजेपी से प्रत्याशी और वीआईपी से राजेश कुमार इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं, इन दोनों के बीच टक्कर। वहीं पश्चिमी चंपारण जो संजय जायसवाल बीजेपी के बड़े नेता और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी, इनके बीच यहां की फाइट नजर आती है। तो अपने अपने सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण है, और उसके बाद से शिवहर की सीट अगर बात करें तो लवली आनंद जो है वो यहां से जेडीयू प्रत्याशी है, तो रितु जायसवाल को आरजेडी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है और इस बार सीट जेडीयू के खाते में आई है। विजयलक्ष्मी कुशवाहा, अवध बिहारी चौधरी और हिना शाह भी लड़ाई त्रिकोणीय नजर आती है सिवान की। सिवान के बाद से दूसरी सीट की अगर बात करें तो सीट है वैशाली की और यहां से वीणा देवी एलजेपीआर से प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को यहां से मैदान में उतारा है। तो ये प्रत्याशी हैं जिनके बीच फाइट है। जेडीयू से आलोक कुमार सुमन गोपालगंज की लड़ाई बता रहे हैं, आरजेडी से चंचल पासवान चुनावी मैदान में है। महाराजगंज की अगर बात करें तो यहां से जनार्दन सिंह सिग्रवाल बीजेपी से यहां से हैं और कांग्रेस से आकाश सिंह। तो छठे चरण से पहले बिहार की सियासत आई है। जेडीयू और बीजेपी का दावा है कि बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी, तो आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि इस बार एनडीए की करारी हार होगी। इन चुनावों की हर बाजी मोदी जी के नाम, पहले से लेकर के सातवां चरण मोदी जी के नाम। भारत की जनता और बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है, अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, और इस 400 पार में बिहार देगा 40 इस बार। छठा चरण हो या सातवां चरण, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि 2024 का चुनाव उनके लिए खत्म हो चुका है। सत्ता में वापस वो अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है। जनता सवाल पूछ रही है मोदी जी से, आप उस वक्त कहां थे जब मणिपुर में बच्चियों के साथ रेप हो रहा था? मोदी जी आप उस वक्त कहां थे जब अन्नदाता मर रहे थे? मोदी जी जनता को बताइए, रोजगार का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ? देश में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके, एनडीए को पहले ही बहुत बड़ी बढ़त मिल चुकी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं। पिछली बार भी बिहार की जनता ने 40 में 39 सीटें जिताकर दी थी, इस बार 40 में 40 सीटें हम जीतेंगे। महागठबंधन के लोग कहीं नहीं है, क्योंकि उनके पास नेता, नीति और नियत की कमी है। देखिए छठे चरण के चुनाव में, चाहे वो वैशाली की सीट हो या फिर महाराजगंज की सीट, मतदाता मालिक ने अपना रुझान स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में अपना मतदान करने जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद डरा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री लगातार बिहार के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 8वीं बार बिहार दौरे पर।